अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल लतीफ़ ईदी बाज़ार से। ये मेरे मदर के वो L4 L5 शियाटिक पेन डिस्क का पेन था, बेड रिटर्न थे उनको। ऑलरेडी मैं बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया इसका, लेकिन फ़र्क नहीं हुआ। लेकिन बाद में फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी देखा मैं, और मेरे कज़न्स भी ऑलरेडी डॉक्टर अदनान के पास रिव्यू करे, उन लोग भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए मेरे को। और मेरे वालदा को भी लेके आया यहाँ पे, बताया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ हो गया, बहुत उनको भी फ़र्क हुआ, बैठने आया, चल रहे हैं भी, वॉक भी कर रहे हैं अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह से। और आजकल बहुत थोड़ा आप लोग भी जितना हो सके सर्जरी इधर उधर डॉक्टर्स के पास जाने से अच्छा है, या बेखौर डॉक्टर अदनान के पास रिफ़र करिए। उनको अपने जो जो L4 L5 है, या L5 L5S1 का जो भी प्रॉब्लम है, वो आप आके खुद उनको रिपोर्ट्स बताइए। उन माशाल्लाह से बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उनके पास, अच्छे मेडिसिन का बहुत फ़र्क हो रहा है उससे। तो आप लोग भी खुद आइए, जितना हो सके सर्जरी से बच के खुद डॉक्टर अदनान के पास रिव्यू करिए। अल्हम्दुलिल्लाह से ये हदीसे पाक में अब तक आपको तकरीबन बार बता चुका हूँ। मानत अल अलम दाम मिन वासत, यानी जहाँ पर खून नहीं पहुँचता वहाँ पर दर्द होता है। तो नर्वस सिस्टम ट्रीटमेंट ये पेशेंट्स को ख़ास तौर पे जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्लस उनको अच्छे से अच्छे जो है नर्वस सिस्टम के मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें जो है वो लोग बड़ी आसानी से ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बड़ा स्टेप लेने की आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें। अब तक के मैं आप लोगों को प्रूफ करा, और आगे भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रूफ करता जाऊंगा, क्योंकि खुदा से अच्छी कोई हड्डी बिठा सकता ना खुदा से अच्छी कोई हड्डी बिठाएगा, समझ रहे आप लोग। तो जितना हो सका उतना एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स करके अपने ये तकलीफों का इलाज कराए, इंशाल्लाह इसमें ये आप लोगों की शिफा है। अल्लाह हाफिज़।